अरे भाई, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो उसके लिए भी कभी थोड़ा टाइम निकाल लिया करो। कम से कम देख तो लिया करो क्या खा रहे हो। हाँ, गुड मॉर्निंग डैड। ओके, थैंक यू। दवाई और शादी में बेटा बड़ी सिमिलैरिटी होती है, दोनों का टाइम पे ना मिले ना बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा गोलू ने, और मैं भी यही चाहती हूँ कि जब तेरे बच्चे हो ना वो मुझे दादी कहें, तुझे नहीं। दी, शी इज राइट। अब कर लो ना, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मेरी शादी कैसे होगी। अरे मैंने तुम लोगों को न्यूज दी कि नहीं दी, हिमांशु त्यागी इज कमिंग। हिमांशु त्यागी मेरे बैचमेट का बेटा। अच्छा, ही वॉज बॉर्न इन लंडन, थार वॉज जेंटलमैन। तुम तो उसके साथ पढ़ी हो, यू वर फ्रेंड्स राइट। डैड, मैं 8 साल की थी। या? और मालूम है यहीं रहने वाला है वो, यहीं रहेगा। हाँ, जब तक उसका काम नहीं हो जाता। बट आई थिंक यू शुड गो एंड पिक हिम अप। डैड, प्लीज गिव मी सम टाइम, प्लीज। हाँ ठीक है भाई, ये भी ठीक ही है। ठीक है डैड, डोंट डू दैट। नो, इट्स ओके। इट्स एब्सोल्युटली ओके। यू नो समथिंग, I'm stuck with 3 women in a no man's world, you know. आदमी के रोने का असर कुछ होता नहीं है। अरे नहीं, my dear, sir, it's all right. अरे मुझे क्यों पकड़ रखा है तुम लोगों ने यार? Okay, कितने बजे आ रहा है? बेटा 11:30 बजे फ्लाइट उसकी लैंड हो रही है। काफी लेट हो गया है। हाँ तो चले जाओ ना प्लीज। Go by tube, fastest commute. Thank you. 17 languages जानता हूँ, पर ये जो आंसुओं वाली लैंग्वेज है ना, ये सबसे इजी और इफेक्टिव है। I'm sorry, I was late. जब तक डैड नहीं बताया तब तक। No, it's not your fault. फ्लाइट ही थोड़ी जल्दी आ गई होगी। वैसे नाम के अलावा सब कुछ बदल गया है। लास्ट टाइम जब आपको देखा था तो लगता नहीं था कि आप इतनी अच्छी लगने लगेंगी। बाकी तो सब मोटी हो गई है। बचपन में क्या मैं खराब दिखती थी? नो, आई मीन मेरा मतलब ये नहीं था। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। यू नो, मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में आया हूँ और डैड ने ये ये ट्रेन में मिलना और शादी वादी का चक्कर एंड ऑल, सो आई एम सॉरी। एक्चुअली ट्रेन में तो फिर भी ठीक है, घर पे होते तो सब घूरते रहते और तब तक घूरते जब तक शादी के लिए आना कहते थे। राइट। वैसे हमारी सिचुएशन बिल्कुल सेम है, हम लोग शादी करना नहीं चाहते और घर वाले पीछे हटने वाले हैं नहीं। आपके लिए कल फिर यही ट्रेन, यही सीट, बस साथ का पैसेंजर कोई और। राइट। Who's the guy? कौन? जिसे आप खो चुकी हैं। What are you saying? देखिए, मैं पुलिस वाला हूँ और मेरे प्रोफेशन ने मुझे एक बहुत गंदी आदत सिखाई है कि मैं झूठ आसानी से पकड़ लेता हूँ। वैसे मैं नर्वस सिर्फ आपके सामने हो रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ। आप नाम तो बताओ, कान से पकड़ के आपके सामने खड़ा नहीं कर दिया तो। अभी आप कान से पकड़ के लाने की बात कर रहे हो, बाद में अपने कान को हाथ लगा लोगे कि किससे पाला पड़ा है। क्यों? ऐसी क्या बात है उसमें? उसे जब पहली बार मिली थी तो लगा जैसे आज लाइफ का लास्ट डे होगा। मेरी फ्रेंड भागकर शादी कर रही थी, उसकी माँ और उसके गुंडे दौड़कर हमारा पीछा कर रहे थे। पीछे डेंजर था और आगे डेंजरस। मेरा बस चाहिए तो मैं वो दिन कैलेंडर से ही निकाल दूं। वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। गूगल के पास हर चीज का जवाब मिल जाएगा, लेकिन उसका नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी देवी।
देवी जी, देवी, देवी लाल सिंह, हाउ लकी एम आई, पहली मुलाकात में गले पड़ गई। यो विधि, कौन है ये जलपरी? देवी, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त शायना है, डॉक्टर शायना। तभी मैं कहूँ कि मेरा दिल मरीज क्यों हुआ जा रहा है। डॉक्टर जी, जरा मेरा हार्ट बीट चेक कर लो ना। अरे देवी, ये हार्ट की नहीं मगज की डॉक्टर बनने वाली है, साइकाइट्रिस्ट। तू चलने बापू। मुझे नहीं लगता इसको साइकाइट्रिस्ट का मतलब भी पता होगा। साइकाइट्रिस्ट। अच्छा 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 अच्छा, वही ना, the one who manipulates with the feelings of people and plays with their psychology, Dr. Psycho. तेरी माँ का विधि इतने सारे आशीर्वाद लेके आ रही है। तुम फिर से गले पड़ गई? तुम एक काम करो, तुम यहीं पे मेरे साथ मेरे शोल्डर में छोटा सा आशियाना बसा लो। नो जा रहे हैं नीचे कॉलिंग। अरे चलने यार। तू चल। बड़ी बेटा। आंटी। हाँ बोल। कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो क्या लगा रखा है? तेरे फोन का ही वेट कर रही थी। अरे व्हाट आर यू डूइंग आंटी, इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी रायता फैला दिया। यू टर्न मार के वापस आ जाओ, वरना ये लोग यहीं पर हनीमून मनाने का प्लान बना रहे। अगर उसने मेरी बेटी को छुआ भी तो काट के रख दूंगी। काटने का तो पता नहीं आंटी, लेकिन मेरे कान के पर्दे जरूर फाड़ दिए आपने। देवी अंकल। अरे झुमकी, दुल्हन को भगा भी रहे हो और उसकी मम्मी को बता भी रहे हो। चलो डोनेशन बॉक्स में 100 रुपीज डालो। क्यों चाहिए तुम लोग 100 रुपीज? दीदी इधर, लास्ट 100 रुपए थे ब्लैकमेलर्स। जाओ जाओ जाओ। जिधर बैठो ये लोग कुछ ना कुछ काटते रहते हैं, पता नहीं अब क्या काटेंगे। पांडे जी। पांडे जी? कौन से पांडे जी? कहाँ के पांडे जी? देवीलाल, देवीलाल सिंह हम। इल्ला इल्ला पांडा जी, पुदसा बजाओ वरना हम तुम्हें बजा देंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, पहले मंगलसूत्र तो लेके आओ। ओह शो पंडित मैन जी,
क्या हुआ? There's a hole in my pocket. Oh, I'm sorry. Left pocket में रखा था. मुझे लगता मैं घर छोड़ा है. क्या? नहीं नहीं. गाड़ी में? गाड़ी में. गाड़ी में है ना? गाड़ी में है. गाड़ी में. गाड़ी में. गाड़ी में. हे भगवान, थैंक यू फॉर ऑल योर. दीदी मंगल सूत्र लेके आओ. पंडित जी आप कंटिन्यू रखो. ये उम्र में डांस देखने का क्या शौक पैदा हो गया? ये शादी हरगिज़ रोकनी है हमें. शादी शादी रोकनी है. चलो 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 चलो. मंगल सूत्र यहाँ पर है. तू ही हमें यहाँ तक लेकर आया और शादी भी तू नहीं करवाई. यस. हाँ क्या? ए बापू, हाँ तूने सबको यहाँ बुलाया तो पच्ची पर क्यों? तेरे नती खबर केक है. एक सुन, जब तू अपने बच्चों को अपनी शादी की कहानी सुनाएगा, अबे शुरुआत भी ये होगी कि बहुत लंबी कहानी है बेटू लोग. इसमें ड्रामा था, टेंशन था, एक्शन था. अरे मुझे कट गई. और जब जब तू अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएगा, तेरी लाइफ में रोमांस जाग उठेगा. रोमांस. आर यू मैड? No. तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? No. अपनी किक के लिए तुम किसी भी जान खतरे में डाल सकते हो. ओ डॉक्टर साइको, चिल्लाती काय को? ये जीना भी कोई जीना है जिसमें किक ना हो पगली. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सब क्यों किया. मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मेरी सारी विशेष पूरी कर दी. लिसन, जिससे शादी करना चाहती थी उससे करवा दी. yeah. और सबसे इम्पोर्टेंट, मम्मी के बिना शादी करना गलत लग रहा था, पर तुम उन्हें भी यहाँ लेकर आ गए. थैंक यू सो मच. और इस सब से मुझे भी किक लगी. सुपर किक. ये हुई ना बात. अब पहले एनिवर्सरी से पहले 3-4 किक वाले बच्चे पैदा कर लो. तूने एक एमएलए को गलियों में सड़कों पर कुत्ते की तरह भगाया है. तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं. तुझे मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी. आज से तेरी मेरी दुश्मनी चलो. मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है, मगर मैं नहीं. आज के बाद अगर तूने मेरी दोस्त की तरफ आग भी उठाकर देखा तो यमुना में पानी नहीं, तेरा खून बहेगा. इसी प्रकार के डायलॉग का आपको इंतजार था ना एमएलए जी? सॉरी आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट. ओके. अरे जा कहा रहा हीरो, तेरी हालत तो हम पतली कर देंगे. अरे तू एक है और हम इतने. अब क्या करेगा? ये मारता सिर्फ एक को है, बाकी अपने आप भाग जाते हैं. कहाँ गए? इतने बड़े हो गए हो, इतनी लंबी दाढ़ी निकल आई है, फिर भी मंदिर में प्रवेश करते हो जूतों के साथ. शर्म आनी चाहिए. ये कैसा ह्यूमन बीइंग है? ये साला एकदम उल्टा है. ये बीइंग ह्यूमन है. जो काम अस्थमा पेशेंट के लिए वो पंप करता है ना, वो इसके लिए किक करती है. एक्साइटमेंट, मस्ती, ये थ्रिल हमेशा चाहिए इसको. कहते हैं ना, भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं. इसके तो माँ के पेट में ही दिख गए. हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई, इसका मतलब ये तो पक्का था कि अब नॉर्मल ऊपर से नहीं टपका था.
सुना था रोते हुए आते हैं सब, पर ये हंसता हुआ डॉक्टर को आंख मार रहा था। जब बच्चों के मुंह में दूध की बोतल होती है, इसकी टांगों के बीच टॉवेल था। मुझे 2 फीट से कूदने में डर लगता था और ये घोड़े की तरह फुर्ती से डाइविंग बोर्ड पे चढ़ के 12 फीट से कूद जाता था। जिस ऊंचाई पर सीधे खड़े रहने में लोगों को चक्कर आते हैं, वहाँ ये उल्टी साइकिल चलाता था। नेचर्स कॉल को भी ऐसे अननेचुरल तरीके से आंसर करता था। अंकल लाल को यकीन हो गया था कि उनके घर पे बेटा नहीं बाप पैदा हुआ है। दिमाग इतना तेज है कि दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर लेता था। डबल हैंडेडली हम दोनों को हरा देता था। सिंगल मिड डबल किक। मद्दा नहीं लेवा पछी, टेक्नोलॉजी नहीं पाछड़ पड़ी गया। लैपटॉप को उल्टा करके भी हर चीज सीधी टाइप करता था। रिस्ट वॉच को पहनने का भी एक नया एंकल ढूंढ लिया था। इसकी जैसा कोई नहीं। खिड़की होती है हवा अंदर आने के लिए, इसने उसी दरवाजा बना लिया था बाहर जाने के लिए। यही है देवी। इसकी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर दौड़ती है, किक। What a crazy guy, man. What a character. No, total torture. भाई, स्कूटर और बाइक की देखिए, पेले और बेकम की भी देखिए, पर ये कौन सी किक है? It's like an adrenaline rush. Very interesting. फिर next meeting कैसे हुई? He was a headache. And as you know, headache आसानी से नहीं जाता। देवी अंकल, झुमकी तू यहाँ क्या कर रही है? टूहन में से आखिरी 100 रुपए थे, ये ले। झुमकी फिर से फोन करा। यो, उठा लो, इनकमिंग फ्री है। तुमने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। डोंट टेल मी, जो दिमाग ठीक करती हैं, उनका दिमाग खराब हो गया, और जिसका दिमाग खराब है, उसका ठीक? How cool is that? देखो देवी, तुम्हारे लिए ये एक नई किक होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। So just let it go. Don't tell me, तुम्हें भी किक मिली होगी, थोड़ी थोड़ी। In your dreams. अरे हर लव स्टोरी ड्रीम से ही तो शुरू होती है। एक्सक्यूज तो तुम ले ना, छोड़ना यार इतना। डॉक्टर साइको, एक रियलाइजेशन अभी अभी ऊपर उभर के आया है कि प्यार करने से ज्यादा प्यार को मनाने में फन है। प्यार? और तुमसे? जब होगा ना तो ये सब होगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। सुबह शाम सिर्फ मेरी बातें, मेरी यादें, that's it. You are such a headache. ये headache नहीं है, ये मेरे प्यार का hangover है, जिसे तुम खुद भी उतारना नहीं चाहोगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। Go and find your kick somewhere else. ठीक है, चलो कि कहीं अंदर ही ढूंढ लेते हैं। अरे! ये कमीने लड़कियों को छेड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि टिकट विकेट बटे क्या? बदतमीजी है। पे सो रहे थे ना, सोचा कि जगा दूं। क्यों? अरे वाह यार, क्रिकेटर्स, कभी चौका तो कभी छक्का। वाह यार, कितना एग्रेशन दिखाते हो फील्ड पर, इतना सारा जुनून बाहर क्या हो जाता तुमको? हैं? ओ हो माशाल्लाह,
17.5 के तो होंगे ना, पेक्टोरियल मसल्स, विंग्स, सिक्स पैक एब्स। जिम में जाके बॉडी में सिर्फ हवा ही भरना, निकल आई ऑल शो नो गो। अबे कौन है बे तू, जानता है मैं कौन हूं? जानता हूं ना, आप कमीने हो और अब अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। आई वाज जस्ट सेइंग कि मुझे प्रॉब्लम है अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि ये अच्छा ही नहीं कर रहे। जब तक आप जैसे कमीने लोग इनकी माँ बहनों के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेंगे ना, तब तक इनकी जलेगी नहीं। लगता है तुझे बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, उतार देंगे। आपने बिल दे दिया? नहीं दिया, बाद में दे देंगे। बट यू माई बॉय डोंट चेंज द टॉपिक। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बाद में आप बिल नहीं दे पाओगे। थैंक यू। तुम लोग इनसे डर रहे थे? अबे उठना। ओहो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सी, अबे उठ। अब बॉस अपने एक धुर को भेजेगा शहीद होने के लिए। ये आया, ये गया। अब दो बॉस को इंप्रेस करने के चक्कर में पीछे से आएंगे। ये लो, अब बॉस खुद आएगा और पीछे से पकड़ेगा। ये लो, और बच्चा बच्चा जानता है कि बॉस का क्या हाल होगा। इस ग्रुप का एक बहादुर लॉयल सिपाही क्राउड में छुपकर ये सब देख रहा होगा और उसका पिटना जरूरी है पहले, क्योंकि इसने ये माइक्रो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन क्यों किया, फिर जब ज्वाइन किया तो छोड़ा क्यों। ये सुनो, वैसे तो कभी टाइम पर आएगी नहीं पुलिस, और अगर आज आ गई तो गलत आदमी को पकड़ के लेके जाएगी। ओ हाउ क्यूट, आज मेरे बचपन की जेल जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन हथकड़ी पहना के लेके चलना, इसमें किक है। मैं बोलूं इसके लक्षण ठीक नहीं लगे मने, सोच लो। रे अंदर से SMS आ रही है भाई, क्या आज दिन अच्छा ही जाएगा, है ना? ट्राई कर लो। चलो फिर, बड़ा इंटरेस्टिंग लौंडा भाई। आओ आओ। ओ गॉड बबल्स, हमेशा नेट पे बिजी रहती हो। ओ गॉड दी, यू वांट टू मस्ट सी दिस वीडियो, इट्स ट्रेंडिंग। प्लीज उसे बंद करो और मुझे मेरी। अबे कौन है बे तू, जानता है मैं कौन हूं? जानता हूं ना, आप कमीने हो और अब अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। आई वाज जस्ट सेइंग कि मुझे प्रॉब्लम है अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि ये अच्छा ही नहीं कर रहे। जब तक आप जैसे कमीने लोग इनकी माँ बहनों के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेंगे ना, तब तक इनकी जलेगी नहीं। अकॉर्डिंग टू द लॉ कैदियों के भी कुछ राइट्स होते हैं सर। सर वेयर इज माय FIR सर? अरे कोई मेरे लॉयर को बुलाओ, कोई मेरा जुर्म बताओ। उल्टी जैसी आ रही है। वायलेशन ऑफ सेक्शन 54 इन 1991। देख देख देख, कानून से भी ज्यादा धाराएं जानता है ये। नहीं ना, अर्जुन गया टॉयलेट के लिए। अर्जुन का नंटी असली वरिक चार्नी को इंस्पेक्टर जाबो। वो बेटा अब तेलुगु में बोलने लग गया। ये ऑल इंडिया रेडियो सुन रहे हो सब लोग? सुबह से 9 भाषा चेंज कर चुका है साहब जी। हाँ जी, बार बार बोलता है। हिंदी बोलने से मेरे को किक नहीं लगती, किक नहीं लगती। क्या नहीं लगती? किक है? अरे किक होती होगी कोई चीज भाई, किक। भाई गुरगुण सिंह प्लीज इसकी माता श्री से मुझे मिलवा दे भाई। मैं मतलब आंटी जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ। आंटी जी, क्या खा के आपने इसको पैदा किया? टेल मी द डाइट प्लीज प्लीज। मेरे को लगता है माता जी ने उपवास रख के इसको पैदा किया है। ओ साहब जी, एक अंग्रेजी मैडम आई है, इनकी जमानत कराने। ओए सुन सिंह, तू सपना तो नहीं दिख रहा? ओ वाई गुरु जी, सो साहब जी। वाह, तुम्हारी भाभी आ गई बेल देने के लिए। ये कितने हैं?
तो? ओ बहन जी तो बिल्कुल नॉर्मल है। कहाँ से लिया ये ट्रांजिस्टर? कैसे झेलते हो आप? नाना करते प्यार हम इसे कर बैठे। अब देखो मोहम्मद रफी बन गया ये। टीवी व्हाई बिहेविंग लाइक दिस? काम इतने अच्छे करते हो। काम तो अच्छे ही करते हैं डॉक्टर साइको, लेकिन साला दुनिया में कोई समझता ही नहीं है। ये सब ना करो, जलन होता है यहाँ, ससुराल के अंदर फूल हो जाएगा। यहाँ से चले जाने तो ये किक मारूंगा, बता रहा हूँ। किक ही तो चाहिए। देखो सुबह से ऐसी बातें कर रही है। ठीक है इंस्पेक्टर प्लीज। क्या करूँ? लिखो ना। अरे हाँ रिपोर्ट भी तो लिखना है। रिपोर्ट आप बैठे, आप बैठो। चल बेटा नाम बताओ। देवी। इनका नहीं तेरा। मेरा ही है, देवी लाल सिंह। अच्छा उम्र क्या लिखता बेटा? 10 साल लिखता हूँ। क्या? 29 फरवरी को पैदा हुआ था, 4 साल में एक बार आता है, हुआ ना 10 साल का। तभी ये हाल है इसका। मम्मी पापा कैसे झेलते होंगे? बाबूजी कहाँ बेटा? पापा। हाँ डैड। बाबूजी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं मतलब बुलाना पड़ेगा ना। अरे बाबूजी मेरे बाप है। हाँ तभी तो उनको बुलाना पड़ेगा। अरे बाबूजी मेरे भी बाप है। देखो कैसे लीफ की तरह कांप रहा है, क्या हुआ? अरे बाबूजी मत बुलाओ यार, मुझे फिजिकल होने लग गया। अब ये फिजिकल नहीं, ये मेरे डैड से बहुत डरता है। ये बाप है। कहाँ है वो खोटा? वो क्या उसे मार दिया कि नहीं? ओ जी मारने की क्या जरूरत है, स्लाइड सा केस बनता है। कहो तो वापस। स्लाइड सा केस? तुमको इंस्पेक्टर किसने बनाया? यही बात तो मैं सोच रहा हूँ आज की डेट में। अरे जितने केस हैं सब डालो। रेप, मर्डर, किडनैप, फिरौती, 10 साल के लिए डाल दो, मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। 10 साल? क्यों कम लगता है? तो ऐसा करो एनकाउंटर में ठोक दो। एनकाउंटर? अरे क्या जा? आप गुस्सा थूको सर जी और बेल करा के लौंडे को ले जाओ। बेल तो बाद में, अभी तो मैं उसको पहलूंगा। उसके पुट्ठी को मार मार के मैं गुम्मत बना दूंगा। कैसा बात है ये? अरे किधर है किक? किका, किका। अच्छा अरे वो नहीं है। माय गॉड, बेटा तो अद्धा था, बाप तो फुल खम्बा है। ओ बेटा जी रुक जा, रुक को बाबूजी। ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, अरे रुक जाओ बाबूजी। ओ बेटा जी, अरे आज ये बाप, ये पाप बेटा कर रहेगा। गुड गुड, इस स्लाइड से सदमे के बाद मैं क्या करूं? पहले तो पैंट ऊपर कर लो। अगर हम बाप बेटे पीकर टून हो जाएं, तो हमें नीचे लिखे हुए पते पर प्लीज पहुंचा देना। What a father, what a son. एक ही घर में दो दो मास्टरपीस। वाह। ये दोनों तो सर्किट है, मदरबोर्ड तो अभी बाकी है। कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी ज्यादा पीली है। तुन है ये, इन्हीं का घर है ना? ओ ना, ये घर मेरे नाम पे है, पर एक मेरी मांग का सिंदूर है, तो दूजा मेरी अखा का नूर है। कुड़िया इधर आ, आजा आजा। हाय पुत्र की हो गया, मर जा मां। हाय मर्दी, तो कुड़िया तू कौन है? पहले तो कदी की देखे मैं तेनू। मैं शाइना आंटी। शाइना आंटी? हाय पुत्र, इस उम्र में अपने आप नो शाइना। ओ, 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 ओ,
पागल गॉड्स मेरे पुत्र, मैंने तो बचपन में चेकअप कराया से फुल। माय लाल, बोल मेरे लाल। की कह रहे ने? इतना दारा है अंदर, तो दारा तो बनता ही है ना। फिकर ना कर पुत्र, मम्मा ले आई। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स लाल। एलो। पूरी फैमिली भी अकड़ है। आज किक्कुपुतर आजा आजा आजा। ओ मेरा पुत्र मुकुल मुकुल मुकुल। दिख लगला ओ मम्मा को वेरी गुड पुत्र। हैप्पी मम्मा, पाँच बेबी हो गया। गुड हेल्दी बॉय। दूध भी पैग बना के पिलाना पैंदा इनू। मेरे हबजन नु भी खराब करके रख देता है। वैसे इतना बुरा भी नहीं मेरा पुत्र। हाँ, स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग सब में फर्स्ट। एक दिन मेरे को आके कहता है मम्मा मैनू जॉब लग गई है। मैं कहा है किन्ने दी? कहता है 50,000 दी। मैं कहा है लेकिन अगले दिन ही छड़ती। कहता है किक नहीं मिली। मैं कह रहे कड़ी किक तो एक तो ए नहीं समझ आता है मैनू और दूजी दी किक। लोग ही कहने नहीं रखते पे अगर ब्याह करा लो सुधर जाएगा। लेकिन कुड़ी कितने है? सारे रिश्तेदार कराने से डरते हैं कि कहीं मैं ऐदा हाथ उनकी बेटी के हाथ में न थमा दूं। अब तो ही बता मैं इसके लिए कुड़ी कहाँ ढूंढूं? सोच रही है हाय तेरी कलाई सुनी नहीं होनी चाहिए। ऐ बालम नहीं नहीं आंटी आंटी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए आंटी आपका बेटा ईस्ट और मैं वेस्ट। ते की कहंदे लोग की आप जिस अट्रैक्ट ना ईस्ट एंड वेस्ट टुगेदर इज बेस्ट। और पता है पुत्र तू मेरे किक्कू वास्ते परफेक्ट क्यों है? क्योंकि तेरी आंखों में उसके लिए प्यार भी है और गुस्सा भी। तो उसकी बात मान भी लेगी पर अपनी मनवा भी लेगी। नहीं आंटी। चंगा कितना पुत्र तो अपने साथ दोनों को ले आई वरना कौन करता है सब? हाँ कोई अपना है ना। तुझे देखते जाते मुझे लगा कि बस मुझे मेरी नू मिल गई। पता है पुत्र तू मेरे किक्कू वास्ते परफेक्ट क्यों है? क्योंकि तेरी आंखों में उसके लिए प्यार भी है और गुस्सा भी। प्यार और तुमसे जब होगा ना तो ये सब होगा। ये शायना भी कैसा लड़का लेके आ रही है। हाँ जेल जा चुका है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। लोगों को मारता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। 32 जॉब छोड़ चुका है आज तक लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। किक ये क्या होता है? किक मुझे तो लगता है कहीं मुझे ही ना मार दे। किक कौन है? डैड देवी सिंह। या श्री देवी सिंह। नो व्हाट इज हिज नेम? देवी सिंह। यस देवी सिंह। यस रिलैक्स कम ऑन। हाय आई एम शाइना आई एम मिस्टर मेहरास डॉटर। आई एम मिस्टर मेहरा शाइनास फादर। नो आई डोंट ड्रिंक। इज दिस योर हॉस्पिटैलिटी? आई एम सो सॉरी प्लीज कम टू द हॉस्पिटल। मेरा क्या कर रहा है? You talking to me? नहीं। फिर? ऐसे ही। कर लो। नहीं मेरा हो गया। I'm done. चलो फिर. Please be seated. Yeah, okay. Very nice. Thank you. ये शाइना ने कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। सर्वेंट? गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। या यार राइट ब्यूरोक्रेट हूं पर फिर भी गवर्नमेंट सर्वेंट। या राइट कितना कमा लेते हैं आप? सॉरी
कितना कमा लेते हैं आप? अब मतलब गुजारा हो ही जाता है। गुजारा? हाँ। इनको अपनी नौकरी चेंज करनी पड़ेगी। अब क्यों? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि शाइना गुजारे में जिए। नो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। स्वीटहार्ट, टेल हिम ना प्लीज। स्वीटहार्ट, ओनली आई कैन कॉल हर स्वीटहार्ट। या एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। देवी, स्टॉप एम्बैरेसिंग हिम। टेल मी व्हाट, ऊपर की कमाई कितनी है? What are you saying? You mean that? No. See, the thing is, I'm an honest man. तो मैं ये ऊपर की और नीचे की कमाई में बिल्कुल यकीन नहीं रखता. Not at all. No. That's like my girl's father. thank you. I like him. No, it's really an honor. I mean, coming from you, it's really an honor. मेरा एक suggestion था छोटा सा. क्यों ना आप घर देख ले पूरा अच्छी तरह से. श्योर श्योर. यू नो, मेरी मेहनत की कमाई. व्हाट यू ट्राइंग टू से टू मी? नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कल जब आप यहाँ रहने आए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि देखिए, आप तो 32-32 नौकरियां छोड़ देते हैं. तो आपकी तो नौकरी का कोई अता पता है नहीं. तो शादी के बाद तो आपका पता यही होने वाला है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस. घर जमाई. यस डैड, खाना खाए. I think we should have lunch. No, I've had lunch. Aur pach bhi gaya. Devi? Ghar jamai? Devi, wait. What Devi, wait? Hilte the tumhare baap ne mujhe hila diya. He's a goddamn diplomat. Don't mind him, Devi. He's a dad after all. Fikr to hogi na? Unfortunately, social psychology ke hisab se insaan ki pehchan uske kaam se hoti hai. Koi kaam to hoga jo tumhare kaam ka hoga. Please. For me? Tum fikr mat karo. मेरे लिए काम मिलना काम छोड़ने ज्यादा आसान है. ओह माय गॉड, ये टंडू चाबी ना है ना? कल से टेल हिम टू वॉच घर जवाई. और अगले दिन से ही उसने एक केमिकल लैब में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ उसके अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स उसे किकते थे. उसके प्यार में मैं भी उठपटांग हरकतें करती जो हमें किकती थी. वी वर हैविंग अ ब्लास्ट फुल ऑफ किक, जैसे उसकी तूफानी बाइक चलाना, लेटिंग आवर हेयर डाउन, पेंटिंग द टाउन रेड. उसके मिक्स एंड मैच के सिर्फ वो ही बना सकता था जिसे उसे किक मिलती और उन्हें पाकर मुझे. I simply love spending time with him. उससे शर्त हार कर भी मुझे किक मिलती, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जीत वो खुद था. He made me feel absolutely alive and kicking. Our Valentine's Day was extremely special. उस दिन उसके लिए गिफ्ट खरीद कर मुझे tremendous और terrific किक मिली. Everything was going great. मुझे पता चला कि उसने फिर से अपना जॉब छोड़ दिया था. आई वॉज शॉक्ड एंड डिसाइडेड टू कन्फ्रंट हिम, नेवर एक्सपेक्टिंग कि उसका अंजाम ये होगा. आठ मैसेजेस, 10 पिंग, 12 मिस कॉल. एक तो बोलती काम करो एंड यू डोंट इवन लेट मी वर्क. Officer, boss मुझे hard time दे रहा है यहाँ पर. तुम, you guys are sucking my blood. I know you left the job. Thank God. Shaina, मेरी life झंड हो गई थी. सुबह को उठो, नहाओ, धो, नौकरी पे जाओ, तुम्हारी gift लाऊं, gift लूं, gift दूं. Oh, my life had become hell. Hell? हाँ. ये सब तुम्हारे लिए hell है? अरे? मैं यहाँ सोच रही थी शादी करने की, बच्चों की. To grow old with you. Yeah. और तुम्हारे लिए काम करना गिफ्ट लाना हेल है. तो मैं क्या करूं? That's my personality. Why did you leave the job? किक नहीं मिली. क्या? किक नहीं मिली. कब मिलेगी तुम्हें ये किक? I hope जल्दी मिल जाए. बहुत परेशान हूँ. जिस हिसाब से तुम जा रहे हो ना देवी, कभी नहीं मिलेगी. Don't say that. This is the problem, देवी. बद्दुआ मत दो. ये compulsive disorder एक serious problem है. You cannot commit to anything. Please ना. अपनी psychology मत झाड़ो मुझ पर. तो क्या चाहते हो? मैं भी psychology छोड़ दूँ? हम दोनों हिपीज की तरह जिए, या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको घर जमाई बनकर रहना है? I'm sorry. ये क्या तुम बाप बेटी ने स्कूल में सिखाए? I'm sorry.
नहीं, ये क्या है? क्या ये तुम्हारे विरासत में आया? तुम्हें पता है ना कि दिल रखने के लिए जो काम करूँ वो कभी दिल से नहीं होता। रिश्ते को मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। देवी, I tried my best. इसे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं, वो आदमी मैं नहीं बन सकता जो तुम बाप बेटी। I can't be that. तुम गलत समझ रही हो देवी। और सबसे अहम चीज तो ये है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहता। ना खुश हो तुम। You've lost your smile. I am smiling. शाइना, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं। Don't say that. I love you. I know, Dr. Psycho. मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत अलग है। देवी। और हाँ, अगर पैसा कमाना सेटल होना है तो आज से मेरी नई किक पैसा कमाना है। एक साल हो गया ना उसने फोन किया ना मिलने की कोशिश की। मेरी लाइफ में भी कोई है। तुम्हें भी किसी से प्यार है? प्यार नहीं, नफरत। नफरत? अपनी एज से ज्यादा केसेस सॉल्व किए मैंने। 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां भी ड्यूटी ज्वाइन की वहां से क्राइम साफ कर दिया, चाहे वो लैंड माफिया हो या स्मगलर, एक्सटॉर्शनिस्ट हो या मर्डरर या टेररिस्ट। मेरे रहते उनके लिए सिर्फ एक ही जगह बची थी, 8x8 का बैरक। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। कई चोरियां, more than 700 crores. पता नहीं कौन है, पता नहीं कहां है। सिर्फ उसका नाम पता है। डेविल। तीन चोरियां, more than 600 crores. 26 अगस्त को प्रोमिनेंट लॉयर खालिद असगर का इंटरव्यू आया और 28 अगस्त को उनके यहां चोरी हुई, जन्माष्टमी के दिन। स्वामी जी का यह इंटरव्यू 4 अक्टूबर को आया और 13 अक्टूबर को उनके मंदिर में चोरी हुई। क्या था उस दिन? दशहरा। उसके चोरी करने के पैटर्न से दो बातें साबित होती हैं। पहली कि जिन जिन के यहाँ चोरी हुई वो सब सुर्खियों में थे, न्यूज में थे। और दूसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चोरियां त्योहार वाले दिन हुई।
प्लान क्या आगे का? कल ईद है और मुझे पूरा यकीन है ये ईदी लेने जरूर आएगा। Unfortunately, बच गया। पुलिस और मौत दोनों को चकमा दे गया। Quite a guy. Devil. Yes. लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जो जख्म मैंने उसे दिया है वो आसानी से भरने वाला नहीं है। सर सर हमने हर वो जगह चेक कर लिए जहां इलाज हो सकता है लेकिन डेविल का कुछ पता नहीं चला। अब कहां होगा वो और कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका अगला टारगेट मैं हूं। ये चोट का जवाब चोट से ही देगा। हम छुप के पीछे गए थे ये बोल के सामने आएगा। सर आपके लिए पार्सल आया है। मुझे तो लगा था कि पुलिस में सिर्फ सिफारिशी भर्ती होते हैं। अच्छा लगा देख के कि कोई अपने दम पे आया है। आज मुश्किल में डाल दिया था तुमने पर मैं तुम्हारी मुश्किल नहीं बढ़ाऊंगा। मैं 2 घंटे में इस आदमी से 50 करोड़ लूटने वाला हूँ। दम है तो रोक लो। डेविल पता करो ये कौन है कहाँ है क्या करता है। Right now, sir. Let's move. जब से दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली है कि डेविल मनोज पांडे नाम के व्यक्ति से 50 करोड़ रुपए लूटने वाला है पूरा डिपार्टमेंट मनोज पांडे को ढूंढने में लगा। इतना कैश किसके पास हो सकता है नेता बिल्डर बुकी? छोटा सा प्यून हूँ साहब जी और घर का खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है। थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देते। बकवास बंद कर चल चल ले यही है ले चलो। अरे चलो मालूम पड़ेगा 50 की 50 करोड़ मेरे पास।
अरे कौन पागल बनाया आपको? मेरी हालत देखकर लगता है इतने पैसे होंगे मेरे पास? अरे साहब जी बहुत गरीब आदमी हूँ, रात को जो सपने भी आते हैं ना वो 1-2 हज़ार से ज्यादा के नहीं आते, तो मेरे पास कोई क्या ले जाएगा? अबे टाइम पास मत कर, सच बोल, उसने बोला है वो तेरे यहाँ चोरी करने वाला है। तो ठीक है साहब जी, आड़ दो वो 48 रुपए 50 में से रखे हैं खाट पर, उठाए और ले जाए, खुश रहे। सर मैंने चेक किया, इसके 2 बैंक अकाउंट्स हैं, एक में 1203 रुपए हैं और दूसरे में 1452। अरे उसमें से भी हर महीने 100 रुपए साइकिल की ईएमआई जाती है। अरे जानो साहब नया अफसर है, अगर इसको चाय नहीं पिलाई ना तो कल से थाने के सामने खड़ा करके भीख मंगवाएगा, देख रही हो। जाने दो इसको। मेहरबानी साहब जी, मेहरबानी साहब जी, मेहरबानी साहब जी, मेहरबानी साहब। अबे कौन था वो और दिखता कैसा था? अबे अबे मेरा पैसा कहाँ गया? अरे मेरा 50 करोड़ कहाँ गया? साढ़े 50 करोड़ कहाँ गया? माँ कसम साहब जी, अबे चुप, मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से इतने सालों में ये पैसा इकट्ठा किया था यार। हमें मालूम है किसका खून और किसका पसीना। ए अफसर, साले ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि जिंदगी भर एक ठंडी देखना नसीब नहीं होगा। तूने ये केस अपने हाथ में लिया ना, तो चल जा, जा ढूंढ जाकर उस जमीन को। अबे घूरता क्या साले, घूरता क्या है, क्या चाहिए तुझे बोल, हिस्सा चाहिए? मानशु साहब को एक फोन तो बनता है। हेलो। चेहरे पर गुस्सा, मन में गाली, गोली भी चला ली, फिर भी दोनों हाथ खाली। Think of the devil and the devil appears। जी जी। मैं सोच ही रहा था कि तेरा फोन क्यों नहीं आया अभी तक। वेट कराने के लिए रियली सॉरी मैन, और मदद करने के लिए थैंक यू पार्टनर। मदद तेरी। हाँ यार पार्टनर, मुझे तो सिर्फ पता था कि पैसा प्यून के पास रखा है, लेकिन कहाँ रखा है ये नहीं पता था। मैंने तो सिर्फ एक झींगा फेंका, तूने मुझे पूरी की पूरी रावत सर्व कर दी। वेरी टेस्टी पार्टनर, वेरी टेस्टी। बता यार तेरा हिस्सा कहाँ भेजूं मैं? हिस्सा नहीं, हिसाब बराबर करूंगा तुझे हथकड़ी लगाकर। पार्टनर अगर सामने आके गले भी लग जाऊं तब भी तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। एक हाथ दूर था तू मौत से, चाहता तो गोली सीधी दिल पे मारता। 6.4 इंच दूर कंधे पे नहीं। आपको तो ओलंपिक्स में होना चाहिए था, ये कहाँ पुलिस की नौकरी में लग गए, मेडल्स तो वहाँ पर भी मिलते हैं। चैलेंजेस से तुझे बहुत किक मिलती है ना? क्या बात है पार्टनर, निशाना भी तेज और दिमाग भी। और मेरा दिमाग कह रहा है कि तू यहीं कहीं आसपास ही है। आइंस्टाइन जैसी सोच वाले ऑफिसर को सैल्यूट करने का दिल करता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तू हमेशा मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर। मछली चाहे कितनी भी तेज हो, एक बार कांटे में फंस जाए तो किलो के भाव दिखती है। मेरी बात मान जा, तू सरेंडर ही कर दे। यार तुम पुलिस वालों की मांगने की आदत कब जाएगी? खेल अभी शुरू नहीं हुआ है और तुमने हार मान ली,
Come on, man. Don't be a loser. Loser! 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 ये तो मेरे वाले से भी ज्यादा टेढ़ा है। तुम अपने वाले से कभी मिलना नहीं चाहती और मैं अपने वाले को कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं इसीलिए यहां पे आया। मतलब इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। वो अपने पीछे एक क्लू छोड़ गया। कैसा क्लू? लूजर। वो उस दिन मुझे ताना नहीं दे रहा था बल्कि क्लू दे रहा था। दो दिन लगे और फिर पता चला कि लूजर का मतलब है LO737, उस फ्लाइट का नंबर जिस पे वो वॉर्सो है। मुझे पता है कि वो यहीं कहीं है। इस बार वो मुझसे बच नहीं सकता। अब उसका साया भी मुझ पे पड़ा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। Excuse me, brother. You know where this place is at? Sorry, I'm new here. No problem. Madam, आपको ये पता है कि जगह कहाँ है? ये कहाँ है? Main building. Seventh floor. Thank you. आप लोग ने तो मुझे घेर ही लिया। अरे बच्चे, ये तो हमारी खानदानी आदत है। क्या हुआ? I saw him. Saw whom? Devi. What? He just looked right through me as if मुझे जानता ही नहीं। Did you talk to him? वो डॉक्टर अंसारी, न्यूरोसर्जन, उनके बारे में पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रीटमेंट के लिए आए हैं मिस्टर देवीलाल। मेरे फ्रेंड डॉक्टर जयंत वर्मा ने दिल्ली से भेजा है। क्या प्रॉब्लम है उसे? रेट्रोग्रेड एम्नीशिया। मेमोरी लॉस। यस। यू सी, दिस इज हिज फ्रंटो टेम्पोरल लोब। ही हैज सम टिश्यू डैमेज हियर। डॉक्टर वर्मा ने कहा था दैट ही हैड अ बैड फॉल फ्रॉम द सेवंथ फ्लोर। ऐसा होना ही था। बहुत शॉक था किक का। कोशिश करेंगे शायना। विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वो ठीक हो सकता है। डॉक्टर, क्या मैं उसे घर लेके जा सकती हूँ? घर पे भी तो मैं उसको थेरेपी दे सकती हूँ और मैं उसे जानती भी हूँ, तो उसे कुछ पुरानी बातें भी याद आ जाएंगी। I'll allow it on your personal guarantee. जी। है कहाँ वो? जी। शाइना। Sorry. डॉक्टर शाइना, डॉक्टर अंसारी ने आपका केस मुझे दिया है। क्यों? मैं तो यहाँ पे डॉक्टर अंसारी के लिए आया हूँ। एक्चुअली हम तुम काफी बार मिल चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे को दिल्ली से जानते हैं। ओह शुक्र है। कोई तो मुझे जानता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी पहचान ही खो बैठा हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं। घर क्यों? घर पे रहेंगे तो पुरानी बातें याद करके मेमोरी रिट्रीवल जल्दी हो। मैं डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरी करती हूँ। दी, लास्ट टाइम आया था तो डैड का बीपी 250 करके गया था।
इस बार तो उनका बाईपास ही होगा। डॉक्टर बाबू, आपके नकली रिपोर्ट ने काम कर दिया। और अगला प्लान? शाइना के घर में एंट्री मिल गई। अब एक ही छत के नीचे देवी अपना काम करेगा। और डेविल अपना। I am relaxed. Focus on one point. Say om. Say ah. Oh my god. Oh, are you okay? Okay, see you tomorrow. आप भी पेशेंट हो? नहीं, लेकिन मैं हो जरूर जाऊंगा। डैड, डैड, आई नीड टू टॉक टू यू। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये वही आदमी है ना? नो मतलब दिमाग की बत्ती उड़ गई, हार्ड डिस्क क्रैश, सारे सॉफ्टवेयर उड़ गए। मगर मेरे को एक बात बता, ये तू बिना मेमोरी कार्ड का फोन घर पे क्यों लेकर आई है? यादाश्त वापस लाने। यादाश्त वापस क्यों? मेरे सारे सपने टूट गए और उसकी नींद तक नहीं उड़ी। मुझे आज तक सब याद है और वो सब भूल गया? नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे पहले ठीक करूंगी और जैसे ही उसे सब याद आ जाएगा मैं उसके सामने शादी करूंगी। कल को अगर हिमांशु को तेरे और देवी के बारे में पता लग गया तो विल जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो एक दूसरे के सामने ना आए। I know you. मैं आपको जानता हूँ। I know you. मैं आपको जानता हूँ। He has retrograde amnesia, memory loss. मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले हैं क्योंकि मैं case और face कभी नहीं बोलता हूँ। Well said, my boy. Well said. आपके बेटे हैं? आपका भाई है? नहीं, ये किसी का भाई नहीं है। He's a top cop from India. हिमांशु त्यागी। Nice to meet you. हिंदुस्तानी हो ना? जी। हाथ तो अंग्रेज मिलाते हैं, हिंदुस्तानी गले मिलते हैं। अगर सामने आके गले भी लग जाऊं तब भी तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। बेटा तो तुम्हें कहीं जाना था ना? ओ यस, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं आपसे शाम को आके मिलता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ गया था। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। टू मच फन। This is Shiv Gajra. And whoever Devil has robbed so far is connected to this guy. And he is coming here with the Indian delegation. And I'm sure Devil is ke piche yahan pe aayega. Aap ek kaam karo. Contact the immigration department immediately and get me the list of all the people who have landed in Poland in the last week or so. Right? Right. Shiv Gajra achha aadmi hai. Home minister ka bhatija hai. Do din baad Shiv Gajra yahan Intercontinental Hotel mein hoga. Devil yahan Shiv ke piche aaya hai. वो शिव तक पहुंचेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। डॉक्टर जैन, प्लीज कुछ कीजिए ना आप। ये शिव गजरा का हॉस्पिटल है, उन्हें यहाँ कुछ कैसे हो सकता है? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर, लेट अस डू आवर जॉब। प्लीज प्लीज वेट आउटसाइड। शिव डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज। Isoprenaline और nicotinamide, give him both, inject both immediately, quick. Right sir. Oxygen saturation 49. Systolic sir 70 sir. Diastolic sir 40, we are losing him. Get the BP on sir 40, it's going down. Put him on 108. 160, 170, 180. Clear, sir. Try again. 180, charge. Clear. No, sir. Sir, we lost him. Sir, we lost him. Damn it. तुम नहीं मर सकते शिव। Get up.
क्योंकि अगर तुम मर गए तो डेविल अपना काम पूरा कैसे करेगा? डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, मां कसम मारने का मजा उसी को आता है। जिंदा ही थे तुम? ये सब मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक। वापस आना तेरे काम है। तो ये सब ड्रामा क्यों किया? पता है, जब मेरे दोस्तों की यहाँ चोरी होनी शुरू हुई तो स्टक हो गया मैं, टोटल ब्लैंक, सब पे नजर रखी। बाद में पता चला कि घर का भेदी लंकट आता है और तुक्का फिट। कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुयन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। शिव गजरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। जैन जी, मेरे पास टाइम नहीं और तुम्हारे पास बचा नहीं है। समझो, तुम एक ऐसे इंसान का साथ दे रहे हो जो गरीबों को लूटता है, और मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, ले लू ना। क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर है? मेरे लंबे लंबे दांत हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, मेरे 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 पैर पीछे हैं, लंबी पूंछ है, नहीं है ना? डरने की बात नहीं, लॉजिकल बात कर रहा हूं, नहीं है ना? तो बता ना, तो बता ना डेविल का। अबे बोल ना, कहां बता ना। मार दिया। ये सारे अच्छे डॉक्टर ऐसे ही मरते रहे तो मरीजों को क्या होगा? इंफॉर्मेशन मिला ना डेविल का? सबसे बड़ा डेविल होता है स्ट्रेस, कभी नहीं लेना चाहिए। मरवा दिया यार, सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे रेड अलर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो फोन जाएगा वो वहां। क्या चाचा, तुम्हें होम मिनिस्टर किसने बनाया? वो ऑलरेडी पोलैंड पहुंच चुका होगा। हमारी मीटिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, हर डिटेल पर बारीकी से रिसर्च कर रहा होगा वो। उसने अपने सारे प्लान तैयार कर लिए होंगे। आएगा मजा, जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Why are you here in Poland? I'm here for my partner. Will you catch him alive? हाथ ऊपर करेगा तो जिंदा और हाथ उठाएगा तो मुर्दा। Do you think you will succeed? I don't know the meaning of failure. I'm not a loser. I'm not a loser. Hello. Hello, dost. How's your condition in Poland? अबे साले, टैक्स पेयर्स के खर्चे पर पोलैंड घूम रहा है। मैंने तुझे कहा था ना कि तू दुनिया के किसी भी कोने में चले जा, मैं तुझे वहां भी ढूंढ निकालूंगा। OMG, मेरी कैट मछबरी अटैक, माना दिमाग तेरा था।
पर क्लू तो मेरा ही था। बेटा एक क्लू मैं तुझे देता हूं कि तू कितना भी दिमाग दौड़ा ले रुकेगा तू जेल में ही। सहरा तुम बांधो, ससुराल हम जाएं। और बड़ी फूल है का मतलब? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पुलिस पुलिस खेलते खेलते डॉक्टर डॉक्टर खेलने लग गया है तू। लड़की बड़ी ही धांसू है कमीने। एंड वन मोर लास्ट थिंग, कब बजने वाला है तेरा बैंड स्वाहा? और आओ। मेरा बैंड बजे ना बजे तेरी बारात जरूर निकालूंगा। अरे वाह हिमांशु त्यागी जी, आईपीएस की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हो? लंबा भाषण, छोटा अनशन एंड नो एक्शन वैक्शन। तुझे एक्शन चाहिए ना? मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि तेरी दुखती रग पे हाथ रखूंगा तो तू चिल्लाएगा जरूर। मैंने भी फिंगर डाला था। तूने तो रावस दे दी, अब फंस गया ना जाल में। और कॉन्फिडेंस ने मरवा दिया। चोरों के पास भी पासपोर्ट होता है यार। यहाँ पोलैंड में नाक मत कटवा देना प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, आप बेफिक्र रहिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसे तुम्हारा पता है, तुम्हें उसका पता है, एक हम है जो सिर्फ लापता है। मिस्टर गजरा, ये गाड़ी क्यों चला रहा है? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि डेविल की नजरें मुझे पीछे की सीट पर ढूंढ रही है। ड्राइवर बिल्कुल सेफ है। पर सर, अगर उसे गाड़ी रोकनी होगी तो पहली गोली ड्राइवर को ही लगेगी। ओह माय गॉड, माफ मार रहे, मैं तो तुम्हें पहुंचे नहीं था। हमने सारा इंतजाम किया है सर, वी आर वेरी क्लोज, डोंट वरी। क्लोज होते तो आज डेविल तुम्हारी गाड़ी में होता और तुम हमारी गाड़ी में ना होते। जगह बदल दो, इससे उसके सारे प्लान बत्ती बन जाए। Land change. Himanshu Tyagi, अब तू ही मुझे वेन्यू में लेके जाएगा। शायना, अचानक से शादी के लिए हाँ बोल दिया। I hope I'm not your rebound. नहीं। ये सब मेरे नया है ना। डर रहा था कि कहीं मेरे साथ फिल्मी सीन ना हो जाए। मैं मंडप पे खड़ा हूँ और तुम स्लो मोशन में अपने एक्स के साथ भाग रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। Fabulous day. Calls for celebration. पर इतनी बड़ी बोतल? क्यों? शाना जी भी तो पियेंगी। सुना के पीने के बाद लड़कियों का अंदाज कुछ बदल सा जाता है। I think I'll call it a night. Night. Checking her out, huh? पर यार पीता तो मैं भी नहीं हूँ। Seriously? हाँ यार, क्योंकि चढ़ती नहीं है। कोई बात नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चल ला दे, चढ़ेगी वैसे भी नहीं पर आज तो एक बनती है। आई श्योर? या श्योर। चीयर्स। चीयर्स। सिंह साहब बोलो। मैं पीता नहीं। नहीं पीते हो?
क्योंकि मुझे चढ़ती नहीं है। नहीं चढ़ती, पता है आज मैं क्यों बेरा हूं? क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। या यू नो, आज डेविल भी पी रहा हूं, लेकिन हम में आपने जो इसका प्लान ही चौपट कर दिया। चैलेंजेस बहुत पसंद है उसको। अच्छा, चोरी उसकी रगों में है। ओहो, जरूर आएगा, और जब आएगा तो मैं उसे ऐसा पटकूंगा, टांगे तोड़ दूंगा। तोड़ दो साले की टांगे, उल्टा करके मारूंगा। करो उल्टा, देख लेना। दोनों नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं हूंगा ही नहीं। लिख रहे हो आप दोनों दोस्त? हाँ। मैं जब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मैं डेविल को पकड़ ना लूं। एक काम कर यार तू ब्रदर, ये ले, आई एम डेविल। बिकॉज किसी ने डेविल को तो देखा ही नहीं है। गिरफ्तार कर मुझे लेके चल हिंदुस्तान। बहुत बोला दोस्त है तू मेरा, वेरी गुड फ्रेंड। थैंक यू, थैंक यू। पता मैं आज क्यों पे रहा? खुश हो? करेक्ट। लेकिन सिंह साहब एक दुआ करो, एक एक करो कि डेविल को पहली गोली मेरी लगे, किसी अंग्रेज की नहीं लगे। डेविल को पहली गोली तुम्हारी ही लगेगी, देख लेना। पर तू क्या दे यार, तू तो वाइली। ओए अभी नहीं बॉस, अभी टाइम है, कल डेविल को गोली मारनी है। मच्छर की तरह मसलना है। करेक्ट, काश हो गए। गुड शाबाश। इसलिए मैं नहीं पीता यार। सारा चढ़ती नहीं है। भैया जब भाई कोतवाल तो डर गएगा, सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट मेरे पास ही तो है, तो आएगा मेरे साथ और सब तैयार। ओके, सर फिर रुक पर स्नाइपर्स है एवरीवेयर। Good evening and welcome to the Indo-Polish Charity Ball. I would like to extend a very warm welcome to all the delegates from India and especially Mr. Vishnu Bajra. Hello. Sir, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Connaught Place की Archies Gallery में ऐसे 4 ही pieces बने थे सर। उनमें से एक के customer का CCTV footage हमें हासिल हो गया। और ये bracelet जिस भी address पर deliver हुआ है, वो address भी हमें मिल गया सर। तुम जल्दी वहाँ पहुँचो and keep me informed. वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। पैसेंजर लिस्ट का क्या हुआ? इस लड़की को जानती हैं आप? Sir, your invite, please.
Actually, I'm the guest of... Excuse me, ma'am. Please step aside. Put your things here. Hi, man. Aapki amanat. You're looking very beautiful. Thank you. Inse nazar hatayegi, to devil pe padegi. Should I give you guys a moment? No, no, please, please come in. Sure? Yeah. Main pakad lu? Shana, beta. Dad. Cool gamcha. Thank you. It's a scarf. Shana, just listen. Just please come with me. I want you to meet someone. Please. Yeah, yeah. Mr. Gajra, this is my daughter, Shana. Ah. Badi khoobsurat hain aap. Aap hi ki hain? You know, Shana, ab Hindustan ki health jo hai, wo Mr. Gajra ke haath mein hai. Yeah. Very good. Are, karod kuch nahi. Main to 5,000 crore रुपए को लेके ना चंपत हो जाऊं। मिस्टर गजरा, आपके बारे में तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है भाई। क्यों नहीं सोच सकता? क्यों नहीं सोच सकता? मेरे हाथ भी खून से रंगे हैं। मैंने भी लोगों को मारा। अरे रहने दीजिए ना, बात कर लेते हैं, घर सर की बात है। हजारों लोगों को मारा मैंने, क्योंकि उनको बचाने के लिए मेरे पास ना तो दवाइयां थी और ना ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वाह, बिल्कुल सही, एकदम कमाल है। जी चाहता है कि मैं आपकी जय जयकार करूं। कौन है? दोनों हाथों से आपको प्रणाम करूं। ठीक है, ठीक है। आपको उठाकर कंधे पर बैठाऊं, आपके दोनों गालों पर जोर से किस करूं, आपके कमर में हाथ डालूं और आपको डांस करूं। ओके, क्या चाचा, मजा आ रहा था। उंगली करते रहे तो आगे पीछे ऊपर नीचे। उंगली नहीं कर रहा बेटा, पराए मुल्क में ध्यान से। देवी, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो देवी, तुम्हें श्योर? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। अरे मुझ पे नहीं, उस पे चिल डाउन है यार। होल्ड ऑन, आई गॉट इट। जस्ट प्लीज डोंट टच माय गमछा। आई नीड टू स्टॉप एंड गेट मी अ टिश्यू। जस्ट वेट वन सेकंड देव। योर पर्स। Are you okay? Yeah. किसे ढूंढ रही हो? किसी को नहीं। जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसका कुछ पता चला? नहीं, और शायद पता चलेगा भी नहीं। इंडिया से इतनी दूर वो आया तो पैसे के लिए, लेकिन वो पैसा है कहाँ? There you go. Your 50 millions kickback in US bonds. You can count. Dr. French, you give, we take. What to count? एक-एक पैसा देने ना थूक लगा के। ये होना हो, हम तो traditional communal लोग हैं ना। Don't worry about that. Figure मत कीजिए। World Health Standard ने आपकी दवाइयाँ और मशीनें reject कर दी तो क्या हुआ? हम है ना? हम सब लेंगे। हम बने, तुम बने, एक दूजे के लिए। We are made for each other. समझे? हाँ बोलो शिखर। सर, ब्रेसलेट जिस लड़की ने खरीदा था उसका नाम है शाइना। क्या? हेलो, एक मिनट होल्ड करो, मैं भी बाहर आता हूँ। या होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। पैसेंजर लिस्ट सर। हाँ बोलो शिखर। हाँ सर, जिस लड़की ने ये ब्रेसलेट खरीदा था उसका नाम शाइना है। क्या? यस सर, हाई कमिश्नर ऑफ पोलैंड मिस्टर ब्रजेश मेहरा की बेटी। शाइना ने डेविल को ब्रेसलेट गिफ्ट। शाइना और डेविल में क्या कनेक्शन हो सकता है? फर्रा सिद्दीकी, सोमे विश्वनाथ, इमरान सिंह, प्रीति रोरा, देवी लाल सिंह। देवी लाल सिंह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। देवी, अगर देवी लाल सिंह पोलैंड में है तो वो शाइना के पास जरूर आएगा। He is Mr. Singh, my patient from India. शाइना मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? गिरफ्तार कर लो मुझे। I am General. Yeah.
चोरों की तरह भागने से कुछ नहीं होगा। देवी, हम अलग क्यों हुए थे? मुबारक हो पार्टनर। मैंने कहा था ना कि डेविल जरूर आएगा, और ये भी कहा था आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करो। डेविल का तो पता नहीं, लेकिन देवी शाइना को गोली नहीं मार सकता। अगर इतने ही जानकार हो पार्टनर, तो मेरी आंखों में झांक कर देखो और बताओ अंदर कौन है, देवी या डेविल। बाइसाइकल। Follow!
बहुत हो गया। बेटा ही डेविल है और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं। जिस किक के लिए वो जिंदगी भर भटकता रहा, एक दिन वही किक उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। मेरा नाम अनिल सिंह है और ये मेरी पत्नी नंदिनी। 30,000 की सैलरी में हम बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे और इस खुशी को दुगना किया था हमारी बेटी झुमकी ने। छोटी सी फैमिली और हमारे छोटे छोटे सपने जो हम देखते थे और पूरा करने की कोशिश करते थे। सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन झुमकी बेहोश हो गई। हम उसे लेकर हॉस्पिटल गए जहां डॉक्टर ने बताया कि झुमकी के चेस्ट वॉल में ट्यूमर है। उसके पास वक्त बहुत कम था और इलाज के लिए पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा। वो नन्ही सी जान अपनी बीमारी से लड़ रही थी और हम पैसों के लिए सब कुछ बेचकर भी हम पैसे नहीं जुटा पाए। ऐसे में झुमकी खुद निकल पड़ी पैसे जमा करने के लिए। झुमकी हमारी जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी को मरते हुए कैसे देख सकते हैं। अब जीते जी हमारी हिम्मत टूट गई। शायद हमारी मौत उसे नई जिंदगी दे दे। वो सेंट मैरीज चिल्ड्रंस होम में है। प्लीज सेव हर। तुझे किसके लिए पैसे चाहिए? मेरे लिए। अंकल, डॉक्टर अंकल कह रहे हैं मेरे मम्मी पापा ऑपरेशन के लिए पैसे लाने गए हैं। कहाँ गए? अभी तक आए नहीं। क्यों नहीं आए? अंडरस्टैंड देवी, 11,00,000 कम है। 11,00,000 रुपए की कमी की वजह से झुमकी को मरने दे? एक काम करो, हमारे एमडी से जाकर मिलो। उनका एक ट्रस्ट है एंजल हेल्थ केयर, थोड़े टेढ़े हैं बट हो सकता है हाँ कर दे। ओए, जल्दी आ चला। जी सर। इंसान हूं मैंने कोई नहीं, टाइटेनिक के पोज में खड़ा कर रखा है। जल्दी कर। सर मैंने ये केस स्टडी कर लिया है, लास्ट स्टेज है, 25-30,00,000 का खर्चा है, बच जाएगी। सर 11,00,000 का और बंदोबस्त करना है, वादा करता हूं मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा। ये बच्ची है कौन? तुम्हारे रिश्ते में है? नहीं सर, रिश्ते में नहीं है, बस परेशान है। सर आपके इतने सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनके लिए नहीं तो कम से कम इन तस्वीरों के लिए हेल्प कर दीजिए। ससुर की गलती हो गई, मम्मा दिल में चुप गई। सॉरी। ये देखा के 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूं मैं, कुछ नहीं होता मुझे,
लेकिन जब सुई चुभती है तो लगती है यहां। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतने बड़े बड़े लोग हो और छोटी छोटी बातें। इधर ये लो 100 रुपए, हम सब की तरफ से कंट्रीब्यूशन। कला घोटने का इरादा क्या भाई? ये 100 रुपए देके सर आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं इसे नहीं भूलूंगा। शुक्रिया। बच्ची के माँ बाप की गलती है, खुद मर जाने की बजाय बच्ची को मर जाने दिया होता। नहीं नहीं, बाप मर जाता ना उसकी टेंशन कौन लेता यार, पर क्या कि माँ को भी अपने साथ ले गया ना सा। अब इसकी बजाय वो मदद मांगने के लिए आती तो शायद थोड़ी बहुत हेल्प कर भी देते यार। दस लाख पागल हो गया क्या? इसे तो मैंने माफ कर दिया अपनी बेटी की खातिर, लेकिन तुझे नहीं करूंगी। याद है मैंने तुझसे कहा था एक दिन तुझे मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी, फिर तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे पैसे दूंगी? आज भी कौन जीता, मैं या वो? अब तक पता ना था आज जाना है वक्त के छोटे से। ऐसी एक बार फिर से मुस्कुरा दे, है सदियों की खुशी। लेकिन इन सब की हालत झुमकी की तरह ही है। ये सब बीमार हैं। इतने सारे तो आप यहां देख रहे हैं, लेकिन सोचो पूरे शहर में, पूरे स्टेट में, पूरी कंट्री में ऐसे कितने सारे और बच्चे होंगे। मुझे इन सब बच्चों की लिस्ट चाहिए। सुखिलू जरा साइड में, गांडो थी क्यों? अरे एक बच्ची को बचाने में अपनी जान निकल गई, तू ये सब के लिए क्या करने वाला है? ये मैं बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहता हूँ, अपने लिए। बचपन से लेके आज तक पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाऊ किक के चक्कर में। सोच कहाँ जाके मिली ये किक, एक छोटी सी बच्ची की स्माइल में। अगर एक स्माइल मुझे ऐसी किक दे सकती है तो हजारों स्माइल्स मुझे कैसी कैसी किक्स देंगी। बापू मने ये किक चॉइस है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे लाएगा कहां से? अब शुरुआत यहां से करेंगे।
मुझे गर्व है मेरे लाल पे, बहुत गर्व है, और उसकी किक पे। पर उसे गोली लगी। ओए पुत्र जी, ना कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। जब लड़ाई जिंदगी देने की है तो मौत उसे कैसे रोक सकती है। परिवार में पी रहा है यार पार्टनर, पूरा फॉरेन का पैसा तुमने उस नदी में बहा दिया, इसलिए देसी पर उतर आए। लेकिन देसी का एक छोटा पैग अंग्रेजी फुल बोतल के बराबर, ट्राई कर लो। ओह तुम क्यों ट्राई करोगे, मुझे तो शर्त ही नहीं है। दुश्मन के साथ एक ही बारी पी जाती है, पर अपनी हार बुलाने का अच्छा तरीका ढूंढा तूने। यू नो पार्टनर, ऐसा लग रहा था कि जीत नहीं किक है पार्टनर, लेकिन हार का किक नॉट दैट बैड, हाँ नॉट दैट बैड एट ऑल। जिस दिन ये लोग इस हार को एंजॉय करना शुरू करेंगे ना, दुनिया में जश्न ही जश्न होंगे। क्या उच्च विचार, काश मैं झुक के आपको प्रणाम कर सकता। भाई आप अपने पैर ऊपर करो, मुझे आपके पैर छूने। अरे गिर जाऊंगा यार। अगेन उच्च विचार, हारने की पार्टी। यस हारने की। यस दोबारा कब हार रहे आप, कब पार्टी है? जीतने वाली पार्टी सामने खड़ी है, इन्हीं से पूछ लो। कहां भाई? सीन पार्टी भूलना नहीं है। बाय बाय। दारू ने मरवा दिया। तू डर मत, इन्हें नहीं पता तू कौन है, पर अब ये पकड़ा पकड़ी चोर पुलिस बहुत हो गया। अब सीधा एनकाउंटर, जहां तूने चोरी करने की सोची वहां तुझे ठोक दूंगा। 14 नवंबर 12 बजे पार्टी फंड 500 करोड़। तुम सब लोगों के बीच से, तुम सब लोगों की नजरों के सामने से मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। लगा लेना एड़ी से लेके सर तक का जोर, मरेगा तू तो 14 तारीख को मार देना, वरना 15 तारीख को मैं तेरे सामने खड़ा हूंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। 14 नवंबर। अरे
अरे जल्दी कर यार, जल्दी कर, अफीम खा रखी है भाई तूने, जल्दी आ चलाना भाई। पंडित जी पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक कटते कटते क्या बोलता है मेरे पास। अरे पागल लगा यार, दिखता नहीं। Yours faithfully, Shiv. 1, 2, चा चा चा. 3, 4, चा चा चा. अरे मजाक मत कर यार, आ जाएगा वो फिर। कल की खबर नहीं और सामान 100 बरस का, मुझे मालूम है वो आएगा, वो जरूर आएगा। देख यार, हम दोनों ने मिलके इतना कुछ इकट्ठा किया, बहुत मेहनत की है, हमने किसी को नहीं बख्शा, ना अच्छे को ना। क्या कहा, बच्चा समझा क्या है? चूहे की तरह कुतर कुतर किया जा रहा है। मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा, तू तो चचा है। एक एक लफ्ज भी मुंह से निकला ना चुप, तो 440 वोल्ट का करंट पास करूंगा कि डॉक्टर भी सर्जरी करने से थर्राएगा, समझा? चल बोल, ए पैसे निकाल जेब से, मुझे मालूम है तेरी आदत का, चल फोट। बेटा लक्ष्मी ठीक है ना? यहाँ लक्ष्मी इतनी सारी, अब आएगा मजा आनंद उस टेबल को, सर उसे भी तो पता चले कि मैं क्या चीज हूं।
लुका छिपी में मैं हमेशा जीतता था। बोला था ना, पोलैंड में अकेला था, नियता था, दूसरी सरकार थी, अलग लॉज थे, कुछ नहीं कर सका। यहां सिर्फ और सिर्फ मैं तेरी सांसें तो बंद थी। अगर तू अपनी सांसें 15 मिनट रोक सकता है तो अंदाजा लगा ले कि मैं कितनी देर तक रोक सकता हूं। अच्छा जब आई गई हो तो बता दो कौन हो। खुद पता लगा लो। पोलैंड है, इतना सही फेस है, छुपा के क्यों रखते हो? सुई चुभी। ये लो 100 रुपए, हम सब की तरफ से कंट्रीब्यूशन। ये 100 रुपए देके सर आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं इसे नहीं भूलूंगा। लेकिन एक बात बताओ, एक बच्ची को बचाने के लिए इतने सारे लोगों की बैंड बजा दी? ये कहानी उसी बच्ची के साथ शुरू। अरे ए मारो इसको। मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट दी, 15,000 डॉलर दिए, रेड लेबल ब्लैक लेबल सब पिलाई, विस्की वोडका वाइन, ये देखो लाल पीले होके पड़े। इन गोरों ने मुझे ना चाइना का माल चिपका दिया, 5 मिनट नहीं टिक पाए। आई एम सॉरी, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, सबका इलाज फ्री में करेंगे, एकदम फ्री में करेंगे। अपने कान पकड़ के आपके सामने हाथ जोड़ के कसम खाता हूं कि पैसों की कमी की वजह से कभी कोई बच्चा नहीं मरे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लाल बोल मेरे लाल, मैं यहां से निकलता हूं, आप यू वैन लेके निकल जाओ, मैं पुलिस वालों को जरा घुमा के आता हूं। माई लाल, उंगली पकड़कर बचपन में मैंने तुझे घुमाया, अब तू मुझे घुमाएगा, वहां से बच के निकलने का कोई चांस नहीं है। बट एज यू नो, इज्जत सिद्धत शौहरत और मौत ऊपर वाले हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता सिवाय हम दोनों के। रेडी गो। क्या हो रहा है सब? आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे, तो ये सारे बच्चे उस महान इंसान के लिए दुआ मांगने जा रहे हैं जिसने कई गरीब और बेसहारा बच्चों को नई जिंदगी दी है। चलो बच्चों, मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है,
लगा लेना एड़ी से लेके सर तक का जोर। सब ले गया, तुमने दिमाग लगाया, तुमने ताकत लगाई, तुमने फॉरेन का ट्रिप भी लगा लिया, फिर भी हमारी लग गई। सर, आज तक हमें जो भी डेविल के बारे में पता था, I'm taking you off this case, out। मुझे इस केस में ऐसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है जो डेविल की तरह से सोचता हो, जिसको ये मालूम हो कि डेविल अब ये करने वाला है। गो गो गो, गो, गो आउट आउट आउट। सनमन बहुत डायनामिक ऑफिसर है। Yes. Himanshu, meet Mr. Devi Lal Singh, a daredevil officer. Devi, Himanshu, devil ka case yahi handle kar rahe the. Main aapko janta hu. Kya main aapko janta hu? I doubt it, partner. Kyunki main case aur face kabhi nahi bhulta. Ye kaun sa naya drama? Ye drama nahi, kick hai. कहा था ना 14 नवंबर को मार देना, वरना 15 को तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? I'll take your leave, sir. देवी आ गया, I'm sure devil आपके सामने ही होगा। He's a right man for the for the job. Partner, मैं इनके अगेंस्ट हूँ, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के साथ हूँ। साले नौकरी और छोकरी दोनों ले गया और अब बोल रहे अगेंस्ट नहीं? ऐसा पहली बार हुआ है भाई, तुझे कोई नहीं समझ सकता। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं, और जिंदगी की सबसे बड़ी किक इसी में है।